हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक में अगर आप देखते हैं कि न्यूज़ फीड में जो भी वीडियो जाते हैं वो ऑटोमेटिक चलने लगता है तो उसको आपको कैसे स्टॉप करना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपको मैं अपना चैनल टेक टिप्स तक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जा करके क्लिक करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे फेसबुक में न्यूज़ फीड में जो भी वीडियो आता है वो ऑटो प्ले हो जाता है, उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं वो प्रोसेस दिखा देता हूं जिसमें ऑटो प्ले हो जाता है, उसके बाद उसको बंद कर भी आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूं। फेसबुक के ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वीडियो है ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो करना क्या है कि इसको ऑफ करना है, क्योंकि यह ऑटोमेटिक ना स्टार्ट हो करके इसको स्टार्ट करने के लिए आपको इस पर प्ले करना हो, यानी कि क्लिक करना हो। तो इससे क्या होता है कि जब यह ऑटो प्ले होता है तो इससे यही होता है कि आपका डाटा का खपत जो रहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपके फेसबुक में जो भी वीडियो आता है वो प्ले हो जाता है, जिसके कारण आपका डाटा जो रहता है वो ज़्यादा खपत होने लगता है। तो इसको ऑफ करने के लिए क्या करना है कि आपको थ्री डॉट पे आ जाना है, जो कि मैं थ्री डॉट पे पहले से ही आ चुका हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मीडिया एंड कॉन्टैक्ट पे, आपको क्या करना है कि क्लिक करना है नीचे में। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं बता दूँ कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने फेसबुक ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो भी वीडियो रहता है वो ऑटो प्ले हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले दिखाया कि जैसे ही मैंने अपने फेसबुक ओपन किया वहाँ जो भी वीडियो था वो ऑटो प्ले हो गया, तो उसको कैसे ऑफ करना है। तो उसको ऑफ करने के लिए आपको मैं यहाँ पे दो कंडीशन दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको टॉप में एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा वीडियोज इन न्यूज फीड स्टार्ट विथ साउंड, इसको आपको ऑफ कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको नीचे आना है। सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो प्ले, ऑटो प्ले पे आपको क्लिक करना है। ऑटो प्ले पे करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको तीन कंडीशन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट में आपको मिलेगा कि अगर आपके डाटा ऑन रहेगा या वाईफाई से कनेक्शन जुड़ा रहेगा आपका फ़ोन में तो वो ऑटोमेटिक जो रहेगा वो प्ले हो जाएगा जो भी वीडियो आपके फेसबुक में आएगा। और दूसरा कंडीशन आपका हो जाता है ओनली वाईफाई कनेक्शन, अगर आप वाईफाई से जुड़े रहते हैं तो वहाँ आपका जो भी वीडियो फेसबुक में आता है वो ऑटो प्ले हो जाता है। और तीसरा हो जाता है यहाँ नेवर ऑटो प्ले वीडियोज, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है जिससे जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं वही वीडियो वहाँ पर प्ले होगा, जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं वही वीडियो वहाँ पर प्ले होगा। अदर वीडियो जो रहेगा वह एक फ़ोटो की तरह आपके सामने दिखेगा, अगर उसको आपको देखना है तो वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ओपन करके सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेवर ऑटो प्ले वीडियोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने दो ऑप्शन बताया, फर्स्ट में वीडियोज इन न्यूज फीड स्टार्ट विथ साउंड, इसको आपको क्या करना है कि ऑफ कर लेना है। और नीचे में आपको ऑटो प्ले है, इसको आपको नेवर ऑटो प्ले वीडियोज कर लेना है या ऑन वाईफाई कनेक्शन ओनली कर लेना है। तो आपको जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, इससे आपके डाटा का भी बचत होगा और आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उसको ओपन करके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस यही एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।